इफ यू आर ऑन वेट लॉस जर्नी और यू आर ट्राइंग टू लूज वेट और फैट तो ये वीडियो एंड तक तो जरूर देख लेना हाई गाइस so आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली जून वेट लॉस चैलेंज कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं फॉलो करूंगी जून में और मैं चाहती हूँ आप भी करो ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए और छोटी वीडियो है तो मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी ताकि सारे पॉइंट्स कवर कर लू फर्स्ट पॉइंट है कि हैव योर डिनर मैक्स बाई सेवन टू एट पी एम आई नो बहुत जल्दी लगता है लेकिन जल्दी डिनर करोगे ना तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा सोने से पहले ही नाइट शिफ्ट करते हो तो अपनी प्लान को आप लाइफ स्टाइल के हिसाब से फॉलो कर सकते हो और बना सकते हो सेकेंड पॉइंट है नींद पूरी करना तो सात से आठ घंटे की नींद तो आपको चाहिए ही चाहिए नेटफ्लिक्स जो बिंज वॉच करते हो रात को बैठ के वो मत करो यार अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करो अब नींद पूरी हो गई डिनर भी जल्दी कर लिया तो थोड़ा वर्कआउट भी एड कर लेते हैं सुबह उठते ही बीस मिनट की वॉक करनी है सिर्फ बीस मिनट है यार कर लोगे इजिली वॉक तो सुबह उठते ही थोड़ी सी वॉक भी जरूरी है और वर्कआउट के लिए आप कोई भी क्लास एड कर सकते हो अपनी लाइफ लाइक एरोबिक्स क्लास जिम जा सकते हो कुछ भी नहीं हो रहा तो घर पे ही वर्कआउट कर लो आधा घंटा तो ही लोगे फोर्थ पॉइंट है डाइट प्रॉपर डाइट लेना जरूरी है अब डाइट का मतलब फैट डाइट नहीं है कि खाना कम कर दो खाना छोड़ दो इसका मतलब ये नहीं है घर का प्रॉपर खाना खाओ अपने लाइफ के हिसाब से अपना डाइट प्लान करो खुद ही एंड दैट्स इट बहुत इजी है हो जाएगा और वैसे भी मैं रोज डाइट प्लान डालती ही रहती हूँ अपना भी तो उससे ही थोड़ा इंस्पायर होकर अपना एक डाइट प्लान बना लेना लेकिन उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा तो फॉलो भी कर लो अब वो पॉइंट आ गया है जो की बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है काफी लोगों को मुझे भी लगता था पानी पीना आई नो बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी डिफिकल्ट भी हो जाती है बट ट्राई करो कि तीन लीटर पानी मिनिमम पी ही लो मुझसे भी नहीं हो पाता है टू बी ऑनर लेकिन जून में मैं करने वाली हूँ तीन से चार लीटर पानी पीना ही पीना है काफी बेनिफिट है गूगल कर लेना इजिली पता चल जाएगा की पानी क्यों पीना है नेक्स्ट पॉइंट है की जंक फूड थोड़ा कम करना पड़ेगा आई नो की बाहर का खाना बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छा लगता है लेकिन यार एक पॉइंट था की अच्छा लगता है अगर आप रोज रोज बाहर का खाना खाओगे तो वो भी एक पॉइंट के बाद फीका लगने लग जाता है तो इट्स बेटर की आप थोड़ा ब्रेक्स ले लो महीने में चार आउटिंग्स ऐसी कर लो जब आप बाहर का खाना खाओगे वो भी पोर्शन कंट्रोल करके लेकिन हाँ जब आप वो ब्रेक्स लेके खाओगे ना तो आप ज्यादा एंजॉय कर पाओगे अपने चीट मील्स को इंस्टेड ऑफ ईटिंग इट एवरी डे घर का खाना खाना है और पोर्शन कंट्रोल करके खाना है तो यस अब आपके सारे पॉइंट कितने ट्रैक पे चलेंगे यार आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी स्किन ग्लो करेगी वेट कम हो जाएगा इंच कम हो जाएगा नेक्स्ट है की अपनी बॉडी को समझो और अपने आप को समझो की आपको क्या पसंद है आपकी बॉडी किस चीज से कैसे रिएक्ट कर रही है हो सकता है जो मैं खा रही हूँ उससे मेरे को वेट लॉस हो रहा हूँ लेकिन आपको ना हो तो आप थोड़ा अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो और समझो अपने आप को तो अगर आप लोग तैयार हो इस चैलेंज के लिए तो मुझे ना कॉमेंट्स में बता देना आई एम इन लिकर की आई एम इन भाई फॉर दिस चैलेंज तो मैं समझ जाऊंगी कि हम लोग साथ में ये चैलेंज करने वाले हैं ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट टू मी एज वेल फॉलो कर लो ताकि आपको मेरे डेली अपडेट्स मिलते रहे बाय